दादी लिंगोड़े की सब्जी बनाओगे? जरूर बनाऊंगी। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आगे से लिंगोड़े। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब सही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं जा रहा हूँ दोस्तों एक ऐसी सब्जी जो उत्तराखंड में बहुत लोगों को पसंद है और हो सकता है आपको भी पसंद हो, और जो उत्तराखंड के नहीं हैं लोग वो भी इस सब्जी को देखें क्योंकि इस सब्जी में बात ही कुछ अलग है। तो इस सब्जी को कहते हैं लिंगोड़ा। अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि ये मनीष और काफ़ी भाई लोग हैं, सारे इकट्ठा हो गए। ये दादी है, दादी लिंगोड़े की सब्जी बनाओगे? जरूर बनाऊंगी। और ये सब आ गए भाई लोग, तो ये सब गांव में रहते हैं। तो दोस्तों हम निकल रहे हैं इस समय। जो लिंगोड़े होते हैं ये कौन से जगह होते हैं? मतलब ये जहाँ पे मतलब लगातार पानी आता रहता है, जिस टाइम जैसे पुदीना होता है ना, जहाँ लगातार पानी आता रहता है तो उसी जगह पर होते हैं। तो मतलब जहाँ पे रेगुलर पानी आए और बरसात में, क्योंकि अब बरसात स्टार्ट होने वाली है, लिंगोड़े हैं वो होने लगते हैं। मतलब ये देखिए ये छोटा सा लड़का है और बकरियां चरा रहा है। हाँ भाई कख जाने चाहिए, आंध्रा कख जाने चाहिए खाना। तो दोस्तों इस समय हम आ गए हैं पंदेरा रॉल, यहाँ पे देखते हैं। ठंडा ठंडा पानी आता रहता है रेगुलर, तो ये बहुत ठंडा पानी है। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन डरावना भी उतना ही है जितना सुंदर है, क्योंकि अगर सावधानी से यहाँ से नहीं चलोगे तो ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है। देख सकते हो आप यहाँ पे और ठंड लग रही है, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उतना ही ठंडा होता जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आगे से लिंगोड़े और ऊपर तक जाते हैं। हाँ ऊपर तक। तो यहाँ पे पानी है और यहाँ पे ठंडा भी है, इसलिए यहाँ लिंगोड़े होते हैं। और देख सकते हैं कितनी सारी बकरियाँ, देखिए तो बकरियों को चराने भी लोग यहाँ आते हैं। तो फिलहाल हम जाते हैं सीधा लिंगोड़े तोड़ने। हेलो, तो दोस्तों यहाँ आ गए हम। तो देखिए दोस्तों ऐसे इस तरीके से होते हैं, ऐसे ऐसे चुनने पड़ते हैं। तो ये मैं दिखा देता हूँ। तो मनीष तोड़ रहा है, मनीष चलो दोस्तों मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ तोड़ना ऐसे। हाँ तो दोस्तों इस तरीके से ऐसा देखना पड़ता है, फिर उसके बाद ऐसे तोड़ के। और अभी तो इतना ही इकट्ठा किया है हमने, तो और अभी घूमेंगे तो बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे, तो यहाँ से तो बंदरों की तरह चढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें नहीं हो पाती, और जो यहाँ पे जैसे मनीष रह रहा है तो उसी से ही हो पाएगी, तो ये काम तो मनीष ही कर सकता है। ये देखिए ये। तो दोस्तों कभी भी यहाँ पहाड़ों में आना, और आपको भी अगर लिंगोड़े की सब्जी खानी है और अगर इधर की तरफ आओगे कभी जंगल की तरफ आओगे तो इसको तोड़ने के लिए, तो थोड़ा सावधानी से आना, जो अगर पहाड़ों से परिचित ना हो, गाँव से परिचित ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। यहाँ पे कांटे बहुत हैं और बड़े फिसलन वाले पत्थर हैं, फिसल भी सकते हो आप, चोट लग सकती है, तो थोड़ा संभल के आना। अभी देखिए मेरे को कंडेली भी लग गई, यहाँ पे कंडेली है। अब इतनी सारी कंडेली हैं कि बच बच के जाना पड़ रहा है, लेकिन कितना बचोगे, थोड़ा बहुत तो लग ही जाएगी। तो दोस्तों जो हमारे साथ आए थे वो तो चले गए टॉप में और हम रह गए नीचे। तो मनीष तो ये लिंगोड़ों के बारे में क्या कहना चाहोगे? यू बड़े लिंगोड़े थी जन तुमल इनसे घर मगर सागने वाल तो कदे लोग आ जने डांडे डांडू मटे लोग घर खान सागली जने लिंगोड़ा। हां जन तुम लोग आना चो कभी लोग बकरू मंदी कभी घोड़ा काड़ खान दी तो कभी कभी लोग आ जने लिंगोड़ खान, तो बस घर मन बड़े च लिंगोड़ा साग जब सागने डाल तो बड़े जीठ मारा खान। अब ये लिंगोड़े दोस्तों शहरों में नहीं मिलते, तो इसको खाने के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा पहाड़ों में, क्योंकि ये बरसात के टाइम ही होते हैं, और बरसात के टाइम अगर आपको लुफ्त उठाना है लिंगोड़े खाने का तो बरसात में आइए और पहाड़ों में कहीं स्टे करिए। और जो टूरिस्ट हैं वो भी आ सकते हैं, जो देख रहे हैं, जो उत्तराखंड से नहीं है, उत्तराखंड घूमने आना चाहते हैं, तो कहीं स्टे करिए और लिंगोड़े की सब्जी का लुफ्त उठाइए। तो दोस्तों यहाँ पे भी बहुत सारे लिंगोड़े हो रखे हैं। तो हम नीचे से आए थे और चढ़ते चढ़ते ऊपर आ गए, अभी और ऊपर जाना है हमें, फिर वहाँ से रास्ता है घर का। तो मनीष कह रहा है यहाँ पे बहुत सारे लिंगोड़े हैं। तो दोस्तों एक और चीज़ बता दूँ, लिंगोड़े जो होते हैं वो जहरीले भी होते हैं, तो उसकी पहचान होनी चाहिए। तो मनीष को तो काफ़ी अच्छी पहचान है क्योंकि वो तोड़ता रहता है। तो दोस्तों आकाश ने देखे कितने सारे लिंगोड़े इकट्ठा कर दिए हैं, आकाश दिखाना। तो इसे कहते हैं एक्सपर्ट, और वैसे मनीष ने भी कर दिए, लेकिन मनीष मेरे साथ थोड़ा बातें करने में बिजी था इसलिए हमने कम तोड़े। ले ले ले। तो दोस्तों बहुत सारे लिंगोड़े की सब्जी इकट्ठा हो गई है, मनीष ने भी इकट्ठा कर दी। तो दोस्तों और भी बहुत सारे गांव के लोग हैं, सब इधर आ रखे हैं लिंगोड़े तोड़ने के लिए, तो बहुत ही फेमस जगह है लिंगोड़े तोड़ने के लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि एक तो कंडेली भी बहुत है,
तो उनसे बच के जाना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन लोकेशन देखिए आप कितनी अच्छी है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, इन पत्थरों के ऊपर बैठा हुआ हूँ। और देखिए दूसरे बड़े पत्थर में कौन खड़ा है, ये छोटा सा लड़का यहाँ पे 40 बकरियाँ चराता है। ये देखिए ये सारे लिंगड़े इकट्ठा कर दिए हैं, और भी भाई लोग हैं, उनके पास भी बहुत ढेर सारे लिंगड़े हैं। और यहाँ पे अगर आदमी पूरे दिन भर लिंगड़ा टीपने में लग जाए तो इतने सारे इकट्ठा कर सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। अभी बरसात भी नहीं हुई स्टार्ट, अभी से लिंगड़े होने लग गए, जैसी बरसात होगी मनीष कह रहा है बहुत सारे लिंगड़े हो जाएंगे। वाह, तो बहुत ही अच्छा लगा, कितना अच्छा गाना गाया। और क्या नाम है? सुमित नाम है। हम आ गए घर, इतने सारे लिंगड़े लेके आ गए, और दादी को मैंने सौंप दिया ये लिंगड़े। दादी ये लीजिए, और दादी इसका प्रोसेस बताएगी कि इसको बनाते कैसे हैं। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। पहले इसको धोना है, फिर इसको बारीक काटना है, बस जैसे सब्जी बनाते हैं। अच्छा। थोड़ा प्याज काटा और उसको छोंक दिया, बस ढक्का रही, इसमें पानी नहीं डालना बिल्कुल भी नहीं। तो दादी बना रही होगी इसकी सब्जी, लेकिन मेरे साथ एक ऐसी घटना हो गई, पहली बार हुई है। तो वो घटना ये हुई कि मुझे ये आप जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं, जो खून चूसते हैं, जोंक। तो गांव में इसको जोंक कहते हैं। ये देखिए मेरा कितना खून चूसा इसने, और मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखिए मेरा पैर। दादी लिंगड़े की सब्जी बना रही होगी, तो सीधा वहीं जाता हूँ, अब थोड़ा फ्रेश होऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा फ्रेश लिंगड़े की सब्जी। तो दोस्तों लिंगड़े की सब्जी दादी ने तैयार कर दी है, तो देख सकते हैं आप। ये देखिए ये दादी ने डाल दिया प्लेट में। अब दिखने में तो ये हरी सब्जी है नॉर्मल, लेकिन खाने में बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है, बहुत टेस्टी है। ये देखिए दादी का किचन। आप छोटी दादी है, छोटी दादी मेरे लिए चावल ला रही है और दाल भी आएगी। तो दोस्तों लिंगड़े की सब्जी आपने देख ली होगी, मैंने आपको दिखा दी और खाने में खा भी ली मैंने, बहुत टेस्टी हो रही है। बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारा प्यार हमें देते रहिए, और ढेर सारा लोगों से और लोगों से मुलाकात आपकी कराऊंगा, और सब्जियां आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे यहाँ पे फल होते हैं, कैसी सब्जियां होती है। तो देखते रहिए दोस्तों, चलो उत्तराखंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।